नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल डाइन विद अंजू में। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ वेज चाउमीन मंचूरियन की रेसिपी शेयर करूंगी, जो बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में मैंने बनाए हैं। आप रेस्टोरेंट का स्वाद अब घर में ही ले सकेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैंने 2 कप कैबेज ली है, जिसको कद्दूकस किया हुआ है, और उसमें थोड़ा सा नमक मिलाकर उसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमने ढककर रख देना है 10 मिनट के लिए। ऐसा करने से इसका पानी बिल्कुल अलग हो जाएगा। अब 10 मिनट हो चुके हैं, उसके बाद देखिए हमने कैबेज में जो ढक कर रखी थी उसका पानी ऐसे अलग हो गया। ये देखिए कितना पानी अलग दिख रहा है। इसको अच्छी तरह से हमने निचोड़ लेना है। हम पूरा पानी इसका निकाल देंगे, अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे। इस तरह से नमक लगाकर रखने पर पूरा पानी इसका निकल आता है और कभी भी कढ़ाई में फ्राई करते हुए फिर आपके मंचूरियन फटते नहीं है। तो ये जरूर, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, आप जरूर कीजिए कि कैबेज में नमक लगाकर थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने दें और पूरा पानी ऐसे अलग कर ले। और ये पानी भी बहुत हेल्दी है, इसको वेस्ट ना करें। आप इससे आटा गूंद सकते हैं या कोई ग्रेवी वाली सब्जी बना रहे हैं तो आप उसमें इसका यूज कर सकते हैं। अब ये जो हमने निचोड़ कर पत्ता गोभी ली थी उसमें हमने मसाले डालने हैं। उसके लिए मैंने देगी लाल मिर्च ली है, गरम मसाला, नमक, स्वाद अनुसार 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट भी लिया है। अब इसको मैंने पहले ऐसे ही मिक्स कर लिया है, फिर मैं इसको हाथ से मिक्स करूंगी क्योंकि हमें इसका डो बनाना है। अब मैं हाथ से इसको मिक्स कर लेती हूँ। इसमें हमें डो बनाना है तो ऐसे ये डो नहीं बनेगा। इसमें हमें ऐड करना है 2 टेबलस्पून मैदा और 2 टेबलस्पून ही कॉर्नफ्लावर। बस बहुत ज्यादा हमें नहीं ऐड करना है, उतना ऐड कीजिए जितने से डो बन जाए, कम से कम यूज करें। अगर आप बहुत ज्यादा यूज करेंगे कॉर्नफ्लावर और मैदा का तो वो टेस्ट आएगा मंचूरियन में जो बहुत अच्छा नहीं लगेगा। तो कम यूज करें, ज्यादा यूज नहीं करना हमें। अब बस इस तरह से बॉल्स की शेप देंगे। अब सभी बॉल्स मैं इस तरह से बनाकर तैयार कर लूंगी। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट हमारे मंचूरियन बनाने के लिए तैयार हो गए हैं। अब इन्हें हमें फ्राई करना है तो उसके लिए कढ़ाई में तेल चढ़ा लेंगे और तेल जब अच्छी तरह से गर्म हो गया है तब उसमें एक एक करके मंचूरियन डाल देंगे। और याद रखिए कि मंचूरियन डालते ही, ये मंचूरियन की जो बॉल्स हमने बनाई है ये डालते ही हमने गैस को बिल्कुल धीमा कर देना है। इसको धीमी आंच पे ही करना है हमने फ्राई, इसको बहुत तेज आंच पे हमने फ्राई नहीं करना है और बहुत जल्दी इसको छूना नहीं है। थोड़ी देर बाद करेंगे तो ये बॉल्स एकदम परफेक्ट फ्राई होके बाहर आएंगे और एक भी बॉल्स देखिए टूटी नहीं है, एकदम परफेक्ट फ्राई हुए हैं, एकदम परफेक्ट कलर आया है, अंदर तक ये पक चुके हैं क्योंकि हमने धीरे धीरे इनको पकाया है। अगर जल्दबाजी करते हैं तो अंदर से वो कच्चा टेस्ट आता है, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब मैंने इसमें वेज हक्का नूडल्स यूज किया है, जो चाउमीन हम बनाएंगे उसके लिए मैंने वेज हक्का नूडल्स यूज किया। आप नॉर्मल चाउमीन भी यूज कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि ये साबुत चाउमीन है, मैं टूटी हुई चाउमीन भी ले लूंगी, जो पैकेट में नीचे बच गई थी वो भी ले लूंगी ताकि वो वेस्ट ना हो हमारे। अब पानी चढ़ा दिया था उबलने के लिए, उसमें थोड़ा सा नमक और खाने वाला वेजिटेबल ऑयल 1 टेबलस्पून वो भी डाल दिया था। अब इसमें ये नूडल्स हमने डाल लेनी है सारी। अच्छी तरह से डिप कर देते हैं, बस बहुत ज्यादा हमने नहीं इसको हिलाना है।
और इसको सिर्फ 80% ही हमने कुक करना है, इसको बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है। और उसके बाद ऐसे छलनी में मैंने उसको निकाल दिया है ताकि सारा पानी निकल जाए, और उसके ऊपर ठंडा पानी डाल दिया है। उसके बाद हमने थोड़ा सा ऑयल ऐसे हाथ में लेके वो भी इस पर लगा देना है। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लगाना है, थोड़ा सा लगाने से ये चाउमीन बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं बनेगी, बहुत अच्छी खिली खिली बनेगी। अब हम जो इसमें सॉसेज यूज़ करेंगे वो पहले ही तैयार कर लेनी चाहिए। तो इसमें 1 टेबलस्पून मैंने डार्क सोया सॉस लिया है, 1 टेबलस्पून टमाटो सॉस लिया है, और डार्क सोया सॉस की जगह आप लाइट सोया सॉस भी ले सकते हैं। 1 टीस्पून ग्रीन चिल्ली सॉस और 1 टीस्पून रेड चिल्ली सॉस। और ये विनेगर लिया है 1 टीस्पून, और सभी सॉसेज में थोड़ा नमक होता है याद रखिए, तो इसलिए नमक कम यूज करें। अब इन सब चीजों को मैंने ले लिया है, इसको पहले ही तैयारी इसलिए करनी चाहिए, ये बहुत तेजी से बहुत तेज आंच पर हम बनाएंगे तो बहुत झटपट बन जाएगी। अब सब्जियां भी मैंने पहले ही काट कर सब तैयार कर ली है, कैबेज लिए हैं, कैप्सिकम लिए हैं, कैरेट लिए हैं, अनियन लिया है, और ये है अजीनोमोटो। ये थोड़ा सा हम डालेंगे, बस ये 1/4 टीस्पून है, और गार्लिक मैंने ब्लैक पेपर पाउडर सब ले लिया है, हरी मिर्ची, सारी तैयारियां पहले ही कर लेनी है। स्प्रिंग अनियन भी मैंने काट के लिए हैं। सब्जियां आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं या चेंज भी कर सकते हैं। गार्लिक इसमें ज़्यादा ही जाएगा। ये देखिए 1 टेबलस्पून मैंने गार्लिक ले लिया है। अब हल्का सा इसको जब भुनने लगा है उसके बाद इसमें अनियन डाल दिया। कोई भी सब्जियां आप देखते हैं कि चाइनीज फूड में ओवर कुक नहीं होती, तो याद रखिए कि इसका सिर्फ कच्चापन हमने खत्म करना है, वो क्रंचीनेस खत्म नहीं होना चाहिए। अब कैरेट भी डाल दी है, बस इसको भी थोड़ा सा पकाया है, और उसके बाद अब इसमें कैबेज में डाल दूंगी। किसी भी सब्जी को मैं बहुत ज़्यादा नहीं कुक कर रही हूँ। और या एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद रखिए कि ये हमारी कुकिंग बिल्कुल तेज आंच पर होगी, धीरे धीरे हमें धीमी आंच पर नहीं करना है, मीडियम फ्लेम पे हमें नहीं करना है, हमें तेज आंच पर ही करना है। अब मैंने शिमला मिर्च भी डाल दी है, और ये स्प्रिंग अनियन, और ये काली मिर्च जो कुटी हुई थी वो भी ले लिया। अब ये जो हमने सॉसेज तैयार किए थे सारे वो भी ले लिए। हमने नूडल्स बॉईल करते हुए भी नमक डाला था, सॉस में भी नमक होता है, तो नमक हमने कम डालना है। याद रखिए कि नमक बहुत ज्यादा ना हो जाए तो कम नमक डालना है। अब ये जो बॉईल करके हमने नूडल्स रखी थी उसको भी इसमें मिक्स कर देंगे। बस अच्छी तरह से ऐसे मिक्स कर लेंगे, टॉस करके जरूरी नहीं है, आप वैसे भी मिक्स कर सकते हैं। अब ये चाउमीन तो बनकर तैयार हो गई है। जो सॉस मैंने पहले तैयार किए थे सॉसेस डाल के, वैसे ही मैंने दोबारा तैयार किया है। ये है कॉर्नफ्लावर, इससे हम स्लरी बनाएंगे। तो मैंने 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर लिया है और थोड़ा सा उसमें पानी डालकर बस इस तरह से मिक्स कर लिया है। मंचूरियन तैयार करते हुए हमें उसकी जरूरत पड़ेगी। अब एक पैन में ऑयल ले लिया है और खूब सारा गार्लिक लिया है, 1.5 टेबलस्पून गार्लिक है ये, उसको चॉप करके ले लिया है। अनियन ले लिया है चॉप की हुई, इसको भी थोड़ा सा कुक कर लेते हैं, और हरी मिर्ची। ओवर कुक किसी भी चीज को नहीं करना है। बस ये पत्ता गोभी, और ये शिमला मिर्च, सब चीजों को उसी तरह से जैसे हमने चाउमीन में किया था उसी तरह से इसमें भी कर दिया है। स्प्रिंग अनियन भी मैंने ऐड कर दिया।
और सब्जियों का क्रंचीनेस हमने खत्म नहीं करना है और ये काम भी हमने तेज आंच पर ही करना है। अब बस ये जो सॉसेज तैयार किए थे ये ऐड कर देने हैं। डार्क सोया सॉस की जगह आप लाइट सोया सॉस भी यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा नमक और एक कप पानी। ये देखिए पानी डालते ही बिल्कुल पतला हो गया हमारा, ये जो हमने बनाया है एकदम पतला हो गया, ग्रेवी बहुत ज्यादा है। अब ये जो स्लरी हमने तैयार की थी ये डालेंगे और इसको मिक्स करते रहेंगे। तेज आंच पर ही है ये, बहुत जल्दी अब थिक होने लगेगा। अब जितनी जैसी भी ग्रेवी आपको चाहिए बस इसको 2 मिनट तक कुक जरूर करना है ताकि वो कॉर्नफ्लावर का कच्चा टेस्ट ना आए। अब ये मंचूरियन बॉल्स मैंने इसमें डाल दी है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। हमारे मंचूरियन भी बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं कि कितनी डिलीशियस लग रही है। इसके ऊपर से और डाल दिया। अब हम इनको सर्व कर लेते हैं। आप सर्व किसी भी तरीके से कर सकते हैं, चाउमीन और मंचूरियन को अलग अलग डालकर भी सर्व कर सकते हैं या फिर आप चाउमीन के ऊपर